कौन है? प्लीज हेल्प। बड़ा सही लगता है मेरे को एज ग्रुप जो है आप लोगों का, सब बिल्कुल यंग एनर्जी से भरे हुए हैं, सबके चेहरों पे हंसी। देयर इज सो मच दैट यू वांट टू डू, देयर इज सो मच दैट यू वांट टू अचीव, कितना कुछ करना चाहते हो। यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया। इतनी तेज आवाज नहीं आती जब बड़ा एज ग्रुप होता है, 35 साल, 40, बड़ा डरावना लगता है मेरे को। बैठे होते हैं, फैले पड़े हैं, यहां से कर लो जो कर सकते हो, दुनिया ने बड़ी कोशिश कर ली, बट आप लोगों की आंखों में मेरे को नजर आ रहा है कि हाँ यार कुछ है। एक टॉपिक है मेरे माइंड में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग ये ग्रुप के लिए बताना अगर ये सही लगता है तो, अगर नहीं लगता तो हम कोई और टॉपिक चूज करेंगे। टॉपिक इज, बताऊं या थोड़ा सस्पेंस बिल्ड करूं पहले? सस्पेंस बिल्ड कर, रोंगटे खड़े हो जाएं पहले फिर बताऊं। एक दिन की बात है, ज्यादा हो जाएगा, सीधा बताता हूं आपको, पॉइंट पे आता हूं। लाइफ में कई बार ऐसी कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि अंदर से आने लग जाता है कि सब कुछ ही खत्म हो गया है। किसी के साथ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं हम रिलेशनशिप में, एकदम से वो हमसे अलग हो जाते हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी की डेथ हो सकती है, ये सब चीजें हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड व्हाटएवर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए और उसने धोखा दे दिया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। शायर भी है यहाँ पर आज हमारी हमारी इस महफिल में। हाँ, क्या होता है, एकदम से टाइम अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है हमारी लाइफ में, अभी मजा आना शुरू ही होता है। ऐसा ऐसा होता है, नहीं होता है? चाहे दोस्तों की वजह से, चाहे कोई सर्कल ऐसा बन जाता है, चाहे फैमिली में सब कुछ सही हो रहा होता है, एकदम से सब कुछ सही हो रहा होता है और एकदम से ही सब कुछ खराब हो जाता है, फिर सिर्फ यादें आती हैं वो पुराने टाइम की। ये फेज हर एक की लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में ये फेज ना आए। तो उसके बाद में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो उसके बाद में खत्म हो जाते हैं अंदर से, मतलब लाइफ को सिर्फ काटते हैं उसके बाद में, सिर्फ यादों में जीते हैं, और दूसरे होते हैं जो मूव ऑन तो कर जाते हैं लेकिन फिर भी अंदर स्कार्स होते हैं, मतलब जख्म बने रहते हैं। अच्छा लग रहा है ना, स्कार्स बेटर लग रहा है, जख्म अच्छा लग रहा है। जख्म कहां पड़ते हैं वो जख्म? दिल में। लेकिन एक तीसरी भी कैटेगरी है जिसके यहां पे कोई स्कार्स नहीं होते, कोई जख्म नहीं है, होते भी हैं तो बड़ी जल्दी भर जाते हैं। तो अब हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक है कि इस सेशन का हम टॉपिक ये रखें कि जब ऐसा कुछ हो जाए तब क्या करें, दूसरा हो सकता है कि अभी क्या करें या उसके होने से पहले क्या करें। यानी कि देखो, एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कि एक लड़ाई में आप जाकर के फंस गए हो, चारों तरफ से आपके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, अब आप पूछ रहे हो मैं क्या करूं, तो उस वक्त नॉर्मली आदमी क्या करेगा जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने पहले से तैयारी नहीं करी है उस लड़ाई के लिए, या तो मर जाएगा या फिर भागेगा। हम ये नहीं करते हैं, जितना भागते हो उस लड़ाई से बच करके उतना ही डर और बढ़ता है लड़ाई का या कम होता है? बढ़ता है। लाइफ में फिर एक लड़ाई आ जाती है, फिर और डर जाते हैं क्योंकि वो पुरानी सिचुएशन सारी याद आ जाती है कि क्या हुआ था तब मेरे साथ में, ये दोबारा से ऐसा ना हो जाए, डरने लग जाते हैं। तो एक हो सकता है कि उस टाइम पे क्या करें, एक है ऐसा कुछ होने से पहले हम क्या करें। अभी आई होप आप लोगों की जो एज ग्रुप है, इतना कुछ नहीं हुआ होगा आपकी लाइफ में, अभी तो बहुत कुछ होगा, चिंता क्यों कर रहे हो, अभी बहुत बड़ी लाइफ है आगे, अभी तो देखना क्या क्या होगा, मतलब जहां तक आप सोच भी नहीं पा रहे वो सब कुछ होगा। इसको आप ये भी कह सकते हो कि मैं डरा रहा हूं लड़ाई से, इसको आप ये भी कह सकते हो कि मैं आपको तैयार होने के लिए इंस्पायर कर रहा हूं। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो सबके साथ हो रहा है, मतलब अपने से जिनकी एज डबल है उन लोगों की जाकर के शक्ल देख लो, आपको समझ आ जाएगा वो कितने पिटे हुए हैं जिंदगी से। ज्यादातर लोग, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहा ना मैंने, मुझे देख के क्या लगता है वैसे, सच सच बताना मैं कौन सी कैटेगरी में लगता हूँ आप लोगों को? हारा हुआ, थका हुआ, भागता हुआ या बाहुबली? जोधा अकबर? क्या मुझे जोधा बोल दिया आपने? योद्धा, योद्धा जो हमसे तैयार है लड़ने के लिए, पता नहीं लगता कौन क्या बोल जाए भाई, पता नहीं लगता कौन मेरी बेइज्जती करते, उसके बाद उस जहर के घूंट को पी करके मेरे को जीना पड़े। हर कोई तारीफ करने
करने वाला नहीं होता, बेइज्जती करने वाले भी चाहिए। हाँ हाँ होने चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। करो मेरी बेइज्जती करो। मैं तैयार बैठा रहता हूँ, मैं तो वेट करता हूँ। क्या काट दोगे? नहीं करूंगा पक्का। भाई ने क्या बोला? माइक दो, माइक दो, माइक करो करो थोड़ी बात। नहीं सर मजाकता हूँ। अरे यार दिल तोड़ दिया आपने तो मेरा। कोई और एनीबडी एल्स जिसके पास में कुछ हो, बेइज्जती करनी है? दो भाई माइक दो। सर आप नाटक बहुत अच्छा करते हो वैसे, फेशियल जैसे अभी कर रहे थे। ओ बचाओ यार मैम, बेइज्जती कर दोगे, ये हो। मतलब मैं नौटंकी हूँ आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हल्का हल्का वो फन के लिए, आई नो, बट अच्छा लगता है सर। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं ये सब जो कर रहा हूँ वो सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ? नो सर, अंदर से मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं सर आप लगते हो मतलब एक नाटक, मतलब मैं घटिया इंसान लगता हूँ? आप रुलाओगे मुझे? नो सर, आप मुझे नौटंकी बोल दिया आपने, इतने सारे लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, मतलब मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं बाहर कैसे जाऊँगा अब? अरे सर, और इसको मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? मतलब नहीं यार, तो अब हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है जब भी हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो टाइम बड़ी तेजी से निकल रहा होता है, जब कुछ बुरा हो रहा होता है तो एक एक सेकंड भी मुश्किल से निकलता है। जैसे जो आप चाहते हो वैसा कुछ हो जाए, उस जगह पर आप हो या उस पर्सन के साथ में हो, तो टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं लगता कितने दिन निकल गए, महीने निकल गए, कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कंफर्टेबल नहीं है आपके लिए, फॉर एग्जांपल एक आपने डोसा खाते हो आप लोग? Yes. हाँ, तो जिस तवे पे डोसे को बनाया जाता है उस तवे पे आपको बिठा दिया जाए तो क्या होगा, कितनी जल्दी निकलेगा टाइम? मतलब एक दिन दो दिन निकल जाएगा? गरम गरम तवा जिस पे डोसा बन रहा है, पानी छिड़का पहले, वो पानी छिड़कते हैं, हल्का सा साफ करते हैं, उसमें तेल छिड़का, फिर आपको बिठा दिया। एक एक सेकंड कैसा लग रहा होगा उस टाइम पे? एक एक सेकंड भी सालों के जैसा लग, पूरी पूरी जिंदगी के जैसा। आपको बोला सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड भी काटने बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे किसी भी पर्सन के साथ में बड़ा अच्छा फील हो रहा है, एकदम से उससे अलग हुआ, उस टाइम पे क्या होता है? आदत पड़ चुकी होती है उस पर्सन की, सुबह से रात तक उससे बात करने की, उसके साथ में टाइम स्पेंड करने की, उसको देखने की, उसको छूने की, बस इससे आगे नहीं जाएंगे। और हमें कोई भी आदत हो जाए और एकदम से उससे हमको अलग कर दिया जाए, धीरे धीरे हम खुद अलग हो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट एकदम से हम अलग हो जाए किसी वजह से तो क्या होता है? बड़ा बुरा हाल होता है ना, एकदम से झटका लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। किसी भी तरह से उसको भूलने की कोशिश करते हैं, जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही फंसते चले जाते हैं। दलदल के जैसा है ये, दलदल के बारे में सुना है आपने? क्या होता है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही और धंसते चले जाओगे। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है, ये हमको सोचना है। और कब सोचना है? वो होने से पहले, मतलब उसके एंड के लिए हम उसके एंड से पहले ही तैयार हो जाए। प्रॉब्लम वो रिलेशनशिप नहीं है, जब वो अच्छा टाइम चल रहा होता है क्या वो प्रॉब्लम है? लाइफ अगर आपकी मानो पूरी ऐसी निकल जाए, जैसे अभी हमने क्या बात करी थी याद है ना, कि जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तो बड़ी तेजी से टाइम निकल रहा होता है, साल निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ दिन ही हुए हैं, लोग तो इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं लगा। सोचो ऐसी अगर पूरी लाइफ निकल जाए तो बढ़िया है बेकार है? बढ़िया है। या फिर लाइफ ऐसे निकलनी चाहिए कि एक एक दिन भी ऐसे निकल रहा है, अब आए यार फिर बर्थडे आ गया, पूरा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, क्योंकि उस पूरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही टाइम का पता नहीं लगता है। और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, टाइम का पता ही ना लगे, लाइफ बह गई तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए, ये जानते हुए इन्वॉल्व हुए कि खत्म होना ही है, इसका एंड रिजल्ट क्या है? दी एंड। अगर इस दी एंड को दी बिगनिंग से पहले ही आप देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देख लो मतलब सिर्फ थियोरेटिकली मत देखो, एक्चुअल में देखो, Whatever is there in my life, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, उसका एंड रिजल्ट क्या है? The end. दिन है, तो उसका एंड रिजल्ट क्या है? क्या हमेशा के लिए दिन रहने वाला है? नहीं, लेकिन दिन तो आपको बहुत पसंद है तो हमेशा रहना चाहिए ना। रात से आपको डर लगता है, कितनों को अंधेरे से डर लगता है,
सच सच बोलो, हाथ ऊपर करो, अंधेरा क्या है? देख पाओगे तो बड़ा मजा आएगा, देखो आराम से समझना, अंधेरा क्या है? हर लाइट का एंड क्या है? अंधेरा नहीं है। हर लाइट के होने से पहले क्या होता है? अंधेरा। जिस वक्त लाइट होती है उस वक्त क्या होता है? अच्छा, क्या बिना अंधेरे के लाइट हो सकती है? एक और एग्जांपल देता हूं, हर साउंड का एंड क्या है? कोई भी साउंड हो, कैसी भी साउंड, सच को देख पा रहे हो? अगर आप दिवाली पे बम फोड़ते होगे, वैसे अभी तो इस साल तो बैन था, पहले फोड़े होंगे, एक है छोटी लड़ी, एक है बड़ी लड़ी, बड़ी से बड़ी भी अगर लड़ी हो, 10,000 की लड़ी हो, 10,000 की भी 10 लड़ियां आपने जोड़ दी, 1,00,000 की लड़ी हो गई, उसका भी एंड क्या है? साइलेंस। हर साउंड का बिगिनिंग क्या है? साइलेंस। कहां से साउंड है? साइलेंस। जिस वक्त साउंड होती है उस वक्त क्या होता है? साइलेंस। आपको क्या लग रहा है, साइलेंस नहीं होता है? अगर साइलेंस ना हो तो क्या आप आवाज को सुन सकते हो? जैसे स्पेस ना हो तो क्या ये सब कुछ हो सकता है? ये बिल्डिंग के यहां पर होने से पहले यहां पर क्या था, आप समझ पाओगे? स्पेस था या नहीं था? खाली स्पेस। जब ये बिल्डिंग टूट जाएगी कुछ सालों बाद, जब भी, अभी ना टूटे तो बेटर है, कभी अर्थक्वेक आएगा या कभी कुछ होगा, कुछ भी, व्हाटएवर, आने वाले 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद, जब भी ये बिल्डिंग नहीं रहेगी तो यहां पर क्या होगा? स्पेस। अभी क्या है यहां? बिल्डिंग है, लेकिन क्या स्पेस है या नहीं है? Yes. अगर स्पेस ना हो तो बिल्डिंग कहां है? तो अब आपको जड़ बता रहा हूं आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की, आपकी क्या, इस दुनिया के हर इंसान के जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है? जड़ ये है कि आप डार्कनेस से डरते हो। अगर अंधेरे से आपके अंदर जो डर है वो निकल जाए, अंधेरा क्या है, एंड है ना, साइलेंस का डर निकल जाए। साइलेंस क्या है? हर रिलेशनशिप, जिसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं, उसका एंड क्या है? रिलेशनशिप किसे कहते हो, कहां होती है रिलेशनशिप? एक है बाहर है, लेकिन एक्चुअल में कहां इंपॉर्टेंट है, बाहर या अंदर? उसकी याद कहां है? अंदर है। उसके बारे में जो अच्छा बुरा सोच रहे हो वो सब अंदर है, अच्छा फील हो रहा है वो अंदर है। फिजिकल सेंसेशंस होती है ना, किसी को टच करते हैं तो सेंसेशन होती है, सेंसेशंस है, थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। क्या ये चारों चीजें हमेशा एक जैसी रहती है? No, रह सकती है? No, या बदलती रहती है? No, बदलना मतलब क्या? चेंज, इंग्लिश में चेंज बोलते हैं। व्हाट इज चेंज? इज चेंज नॉट द एंड? तो जिसको हम एंड समझते हैं, एक्चुअल में एंड नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कुछ भी एंड नहीं हो सकता है। एंड इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, नाइदर साइंटिफिकली नॉर स्पिरिचुअली, नथिंग कैन एंड, बदल जाता है। जैसे पेड़ पे एक पत्ता है, वो मुरझा गया, नीचे गिर गया, तो क्या वो पत्ता मर गया है? मर गया मतलब क्या, क्या वो खत्म हो गया, गायब हो गया है? क्या बन गया है? मिट्टी बन गया है। पहले क्या था वो पत्ता बनने से पहले? मिट्टी। अभी क्या है वो पत्ता? मिट्टी। तो एंड हम किसे कहते हैं और बिगनिंग किसे कहते हैं? पत्ता बन गया, पत्ता मिट गया, तो बनना मतलब क्या और मिटना मतलब क्या? चेंज। पहले तो इस डेफिनेशन को ठीक करो, ब्रेकअप इज नॉट द एंड, चेंज है। और वो चेंज तो तब भी हो रहा था जब ब्रेकअप नहीं हुआ था, तब हो रहा था या नहीं हो रहा था? कितनी बार हो रहा था एक दिन में? बहुत बार हो रहा था। एक सेकंड में सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, अगले सेकंड में सब कुछ बुरा लग रहा होता है, होता नहीं रहता। एक जगह पर आप जाते हो, पहले एक फीलिंग होती है, बड़ी अच्छी फीलिंग हुई, दोबारा उस जगह पर जाते हो तो वही फीलिंग होती है सेम। देख पा रहे हो? चेंज हो जाता है। तीसरी बार जाते हो तो क्या वही फीलिंग होती है? चौथी बार जाते हो, पांचवी बार जाते हो, दसवीं बार जाते हो तो क्या होता है? होते हो वहां पर, उस जगह पर सोच किसी और जगह के बारे में रहे होते हो। तो अगर आप ये देख लो, चेंज इज इनएविटेबल। चेंज का आप दूसरा वर्ड भी बोल सकते हो, इसको डेथ भी बोल सकते हो, इसको एंड भी बोल सकते हो, ये सारे वर्ड जिससे आदमी डरता है। तो आदमी एंड से नहीं डर रहा है, आदमी औरत व्हाटएवर, एंड से नहीं डर रहा है, वो चेंज से डर रहा है।
अब सवाल उठता है हम चेंज से क्यों डरते हैं, क्योंकि दो चेंजेस के बीच में जो एक स्टेट होती है उसकी हमको एबीसीडी भी नहीं पता है। दो आवाजों के बीच में जो होता है उससे आप बहुत बुरी तरह से डरते हो। ये लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। तो इफ यू आर ओके विद इन दोनों के बीच में जो होता है, मैंने चार चीजें बोली, इसके बाहर लाइफ है नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, एक है सेंसेशन जो हमारे को हमारे पांच सेंसेस के थ्रू होती है, कुछ दिखा, कुछ स्मेल हुआ, कुछ टेस्ट किया, कुछ टच किया, कुछ सुना, ये क्या है? सेंसेशन। दूसरा है थॉट। थॉट क्या होता है? जो हम उसके बारे में बोलते हैं अपने अंदर ही अंदर, उस बोलने की वजह से अंदर एक फीलिंग ट्रिगर हुई। अगर कुछ ना बोलो तो फीलिंग कैसे ट्रिगर होगी? फीलिंग्स होती है ना अच्छी बुरी, जैसे एक बच्चा है उसको आप चाहे टट्टी दिखाओ चाहे गंदा हो, फ्लो फ्लो में निकल जाता है। एनी हाउ, उसको चाहे पॉटी दिखाओ चाहे मतलब इसमें इतना मजा आ गया मैं सेशन का नाम यही रख दूं, हाँ लाइव बन जाएगी आप लोगों की तो। तो एक बच्चे को चाहे आप ऐसा कुछ दिखाओ, बार बार नहीं बोलूंगा, चाहे ऐसा कुछ दिखाओ, चाहे आप अपनी शक्ल दिखाओ, मिलती जुलती है, बुरा तो नहीं लग रहा ना, सच कड़वा होता है। हाँ। तो बच्चे के लिए क्या फर्क है, उसके अंदर क्या फीलिंग ट्रिगर होगी? कोई फीलिंग होगी, कोई इमोशंस पैदा होंगे क्या? वो उसको देख करके एक्साइटेड हो जाएगा, उसको देख के डिप्रेस्ड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा छोटा था, ये क्या दिखा दिया, ऐसा होगा? वो देखता रहेगा बजर बट्टू की तरह, कुछ भी दिखा दो उसको, कोई भी फोटो दिखा दो, नहीं होगा ना। तो ये क्यों होता है हमारे अंदर, हमारे अंदर होगा या नहीं होगा? मतलब क्या होता है, पहले सेंसेशन हुई, उसके लिए हमने कुछ बोला, हाय हाय कितना गंदा है, हाय हाय कितना अच्छा है, ये नहीं होता अंदर, बड़ी तेजी से होता है, आपको पता भी नहीं लगता है कितनी तेज होता है। उसकी वजह से एकदम से अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होने लग जाती है। अगर अच्छा लगता है तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, बुरा लगता है तो उससे दूर जाते हो, और फिर अगर आप उससे दूर जाना चाहते हो लेकिन दूर जा नहीं पा रहे हो तो इमोशन जनरेट होने लग जाते हैं, गुस्सा आने लग जाता है। उसके पास जाना चाहते हो और वो आपके पास आने लग जाता है या लग जाती है तो इमोशन जनरेट होने लग जाते हैं। इसको आप प्यार बोलते हो, है प्यार मोहब्बत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, समझ पा रहे हो? चारों में फर्क समझ आया? सेंसेशन, थॉट, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इन चारों चीजों में सेंसेशन पैदा होती है और मरती है, यानी एक सेंसेशन के बाद दूसरी सेंसेशन आती है। अब ये आप शायद देख पाओगे, इसके लिए थोड़ा सा स्टिलनेस चाहिए, अंदर भी और बाहर भी, बॉडी भी स्टिल होनी चाहिए, माइंड भी स्टिल होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं, आपको आवाज आ रही है, अब मैं आपको दिख रहा हूं, आपको लग रहा है दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक साथ हो नहीं सकते। अभी मेरी आवाज की तरफ ध्यान दो, माइक्रोसेकंड्स में हो रहा होता है, जब लाइफ बिल्कुल स्लो मोशन में चली जाती है तब हमको नजर आ रहा होता है कि इस सेकंड के इस 1000वें हिस्से में क्या हुआ, ये आवाज आई, तो अभी मेरा ध्यान इस आवाज की तरफ था, अभी एकदम से जहां से आवाज आई वो दिखा तो अभी वहां था, अब मुझे क्या लगा ये दोनों साथ में हुआ है, साथ में नहीं होता है। आपने भी नोट किया होगा, कई बार एक क्लास में बैठे होते हो, सुनाई दे रहा होता है, दिखाई नहीं दे रहा होता है, दिखाई दे रहा होता है कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। कहने का मतलब क्या है, एक मोमेंट में एक ही चीज होती है, कुछ सेंसेशन हुई उसके बारे में बोला, फिर उसके एक दो सेकंड बाद फिर एक और सेंसेशन हुई उसके बारे में फिर कुछ और बोला, जो बोला उसकी वजह से फिर कोई फीलिंग ट्रिगर हुई, उसकी वजह से इमोशन जनरेट होने लग जाते हैं। तो चारों जो चीजें हैं, सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बिल्कुल आवाजों की तरह, जैसे एक आवाज है आई और गई, आवाज से पहले साइलेंस था, जिस वक्त आवाज थी उस वक्त साइलेंस था, आवाज के जाने के बाद में साइलेंस है। इफ यू आर ओके विद दिस साइलेंस, इफ यू आर कंफर्टेबल विद साइलेंस, तो अब
आपको दुखी करने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। इफ यू आर ओके विद द एंड, बिकॉज द एंड इज नॉट जस्ट द एंड बट ऑल्सो द बिगनिंग। इस सच को देख पा रहे हो? या ये कह लो अभी आपका जो घर है, देखना अगर कुछ देख पा रहे हो, कुछ बोला नहीं तो का टट्टू देखोगे एक मिनट। हाँ यस सर, हर चीज में यस सर ही बोलना है। हाँ अभी आपका जो घर है, ध्यान से समझना, घर कहाँ है आपका, कहाँ रहते हो? मैं एक्चुअल घर के एड्रेस की बात नहीं कर रहा, एड्रेस बताने लगे। आपका जो घर है, घर मतलब खुशी, हर कोई खुश रहना चाहता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग है, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। तो आपका घर कहाँ है? अच्छी सेंसेशंस, अच्छे थॉट्स, अच्छी गुड फीलिंग्स, गुड इमोशंस, प्लेजेंट इमोशंस, यही आपका घर है। यहां आप रहना चाहते हो, ये घर क्या हमेशा के लिए बना रह सकता है? कितनी देर तक बना रहता है? मतलब कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या कुछ सेकंड्स के लिए? कुछ सेकंड्स के लिए। तो आपका जो घर है वो हर सेकंड में बन रहा है और मिट रहा है, इसकी वजह से हम बौखला रहे हैं और बार बार नया घर ढूंढना पड़ रहा है। पूरी लाइफ यही आपकी स्ट्रगल है, सिर्फ आपकी नहीं, दुनिया में हर इंसान की यही स्ट्रगल है। और क्या स्ट्रगल है बताओ? आप में से कोई है जो अपने लिए बुरा दिन चाहता है कि कल का दिन बहुत बुरा हो, सब कुछ ही बुरा हो? कोई नहीं चाहेगा, लेकिन बुरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने घर गलत जगह पे बना लिया है। हमको ये नहीं पता है घर कहां बनाना चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे आप बिल्कुल वहां पर घर बनाओ जहां पे हर एक सेकंड बाद एक लहर आ रही है और जा रही है, वहां घर बनाना चाहिए। यहां से थोड़ा दूर, थोड़ा दूर या बहुत दूर, ऐसी जगह जहां पर वो लहरें छू भी ना सके। आपके पास में दो ऑप्शन है, एक है आपका घर हो साउंड, ये साउंड जिसको मैं कह रहा हूं उसको आप थॉट्स बोल सकते हो, फीलिंग्स, इमोशंस, सेंसेशंस। तो फंस गए, कोई भी साउंड हमेशा के लिए रहेगी? अगर आपका घर बन जाए साइलेंस, ये आपका घर हो, इस घर को मिटाने का क्या तरीका है? साउंड्स को मिटाया जा सकता है, जिस सोर्स से वो साउंड आ रही है उस सोर्स को मिटा दो। कहां है साउंड? जिस इंसान की आवाज आपको अच्छी लगती थी उस इंसान को आपसे दूर कर दो। कहां है उसकी आवाज? यादें हैं आवाज की, याद आवाज थोड़ी होती है, याद अलग चीज है, आवाज अलग चीज है। तो अगर आपका घर बन जाए साइलेंस, उस घर में अब कौन आ सकता है? उसको डिस्टर्ब करने का कोई तरीका ही नहीं है। साइलेंस को डिस्टर्ब करके दिखाओ, कर सकते? कोई भी साउंड हो, कितनी भी बड़ी हो, साइलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। साइलेंस विच इज नॉट अगेंस्ट साउंड, विच इज अकोमोडेटिव ऑफ ऑल साउंड, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड। साइलेंस में आपका घर। अब इस साइलेंस में क्या आ गया? सब कुछ आ गया। साइलेंस की किससे लड़ाई होगी? दो साउंड हमेशा आपस में लड़ रही होंगी, एक दूसरे पर अटैक चल रहा होगा। साइलेंस की किसी से लड़ाई नहीं है। आसपास में बहुत सारे लोग हैं, कोई भी नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? अब आप 100% इन्वॉल्व हो सकते हो किसी भी साउंड में बिना किसी डर के। अब एक क्वेश्चन रह सकता है आप लोगों के माइंड में कि ऐसा कैसे हो? ऐसा हो सकता है ये मैं आपको बोल सकता हूं, वो आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। ऐसा हो सकता है, एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, देयर आर वेज ऑफ डूइंग इट। जहां चाह होती है वहां पर राह होती है, जो चाहेगा उसके साथ ऐसा हो जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच जी।